टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के विलकेयर के पास आज दौसुप हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कैबिनेट मिनिस्टर जितेंद्र अवार्ड ने किया है। उद्घाटन के बाद मंत्री को शॉल ओढ़ाकर उनका सत्कार भी किया गया। आपको बता दें कि मुंब्रा कौसा में क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स जो अल हयात ग्रुप के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शेख अहमद, डॉक्टर आसिफ पोछी, डॉक्टर MN हाशमी, डॉक्टर मुबीन शाह, डॉक्टर खुर्शीद और डॉक्टर ठक्कर और ऐसे अल हयात ग्रुप के कई डॉक्टरों ने मिलकर दौसुप हॉस्पिटल की शुरुआत की। हालांकि इस हॉस्पिटल को लेकर डॉक्टरों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और डॉक्टरों ने भी जानकारी दी है कि इस हॉस्पिटल में हर तरह के मरीजों का इलाज होगा। ICU की सुविधा है, इमरजेंसी सेवाएं भी हैं और ख़ास तौर पर मुंब्रा कौसा में काफ़ी मध्यम वर्ग के लोग हैं, इसलिए हॉस्पिटल इलाज का खर्च मुनासिब ही रखेगा। किसी तरह से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले कोई भी मरीज को तकलीफ ना हो, अस्पताल की तरफ से ऐसी पूरी कोशिश की जाएगी। ख़ास तौर पर गरीबों के लिए भी इस अस्पताल में बेहतर सेवाएं दी जाएंगी। वहीं जिस तरह से ये डॉक्टरों का ग्रुप अस्पताल की शुरुआत की है, इसकी शहर में काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो डॉक्टरों का ग्रुप है, ये मुंब्रा कौसा के ही डॉक्टर हैं जो अपने क्लिनिक चलाते हैं और इन्हें काफ़ी सालों का अनुभव भी है और जो इनके क्लिनिक में जो सेवाएँ ये अपने मरीजों को नहीं दे पाते थे, उनकी बेहतर सेवा के लिए इन सभी डॉक्टरों ने मिलकर इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। और क्या इस हॉस्पिटल के बारे में पूरी जानकारी इन डॉक्टरों ने दी है, सुनिए। आज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटी है और कैसे इलाज किया गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं डॉक्टर आसिफ पोछी, डायरेक्टर दौसुप हॉस्पिटल और अल हयात हॉस्पिटल एंड LLP। आज हम दौसुप हॉस्पिटल का इब्तिदा करने जा रहे हैं आप सबकी दुआओं से। हमारा ये हॉस्पिटल जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ मौजूद है, जिस तरह से ICU, NICU, मैटरनिटी, पेडेट्रिक, स्किन, इसमें केमिस्ट भी रहेगा, इसमें पैथोलॉजी भी रहेगा, इसमें हर तरह के सुपर स्पेशलिस्ट भी आने वाले हैं। ये जो हॉस्पिटल हमने शुरू आज हम जो इब्तिदा करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, ये सब तरह से हमारे जितने भी मुंब्रा के जितने भी लोकेलिटी है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरू किया गया है। इसमें हम हर तरह की फैसिलिटी रिजनेबल रेट में देने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है या तो फिर डिफरेंट मेडिकल जो इंश्योरेंसेस है उसको लेने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर दाऊद खान और इस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और हम लोग हमेशा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है गरीबों की सेवा करेंगे, कम पैसे में अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। अच्छी सहूलियत मुहैया की गई है, जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, ओके, जज़ाकअल्लाह। डॉक्टर साहब, जैसे मुंब्रा शहर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं लेकिन आपका हॉस्पिटल अभी नया खुला है, तो आगे क्या इसके फैसिलिटी रहेगी या सामने तो आएगी, लेकिन जिस तरह से और भी अस्पतालों पर जैसे तमाम आरोप लगते रहे हैं, तो क्या इस अस्पताल में किस तरह से काम किया जाएगा, जिस तरह से इस अस्पताल पर आवाज़ ना उठे, किसी की उंगली ना उठे। मैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद, डायरेक्टर अल हयात ग्रुप का। देखिए, जैसा है आप पूछा है कि आपने कि दूसरे हॉस्पिटल पे किसी की तरह की उंगली उठती है या ऐसा कुछ मसला होता है किसी के साथ, तो हम कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि भाई किसी के साथ में कोई गलतफहमी ना हो या कोई भी जो भी इलाज हो वो मतलब पेशेंट के हिसाब से पेशेंट को समझा के जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है, जो भी कुछ होता है वो सब समझा के पेशेंट का रिलेटिव्स को, पेशेंट को, वो सब उनके ध्यान में देते हुए फिर उसका इलाज करेंगे, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। सर, ये हॉस्पिटल जो है कितने दायरे में बनाया गया है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर MN हाशमी, दौसुप हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। और हम लोगों का जो मकसद है, जो आपने पूछा, हम लोग यहाँ के जनरल प्रैक्टिशनर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 27-28 साल से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो लोगों का दर्द, मरीजों का दर्द हमको बहुत अच्छे से एहसास है। हम उस दर्द को ये चाहते हैं कि हमारा खुद का हॉस्पिटल हो, जैसे हम उनको अपनी क्लिनिक्स पे जो सर्विसेज दे पाते हैं, जो सहूलियत दे पाते हैं, इस हॉस्पिटल के थ्रू जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको पूरी कर पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल के अंदर जनरल वार्ड है, मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, सहूलियतों में ICU है और कार्डियोलॉजी का पूरा ये दिया गया है, मैटरनिटी दिया गया है, यानी जितनी भी मैक्स टू मैक्स सहूलियतें हैं। ICU में 5 बेड है हमारे पास, फुल फ्लेज सारे कंसल्टेंट्स को लिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह, जैसे हमने बताया कि जो हम जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, इसमें जो भी डायरेक्टर्स हैं, अभी जो बताया गया आपको, ये सारे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स हैं, सारे के सारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं। तो ये सारे अपने मरीज को लेके जो भी अपने मरीजों की खिदमत करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए MRI का सहूलियत अभी मुमरा में वो एक अलग ही सेटअप हो जाता है, यानी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट आता है बिल्कुल अलग आ जाता है, हॉस्पिटल से अलग रहता है। यानी अब इन फ्यूचर आपने बोला है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुमरा में भी ये सहूलियत फराहम किया जाए। फिलहाल अभी हॉस्पिटल के थ्रू जितना सर्विस हम दे पाएंगे देंगे, और ऐसी चीज़ें जो नहीं है यहाँ पर उसकी कोशिश करेंगे इन फ्यूचर वो चीज़ें यहाँ पर आ जाएँ। चार्जेस हम जल्दी डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन जैसा हमने बताया कि ये कोई इसका सिंगल ऑनर नहीं है, ये सारे डायरेक्टर्स ही इसके ऑनर हैं। तो इसलिए चार्जेस में हमने यही सहूलियत ही देना है कि जो हम जिस पेशेंट का मालूम है, जैसा भी आप लोगों ने बोला गरीबों के लिए क्या किया जा रहा है, तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इस गरीब को हमको हेल्प करना है तो हम अपने लेवल से जितना कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए ऑनर करेंगे, एज ए डायरेक्टर करेंगे, और बाकी जो हमारा ट्रस्ट भी शामिल किए हैं। नहीं, हम सारे डॉक्टर्स ही हैं, जो डायरेक्टर्स हैं इसके सारे डॉक्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह जो भी हम हमारे लेवल का रहेगा सहूलियत सारी प्रोवाइड करेंगे। बेहतर से बेहतर सेवा देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 फिजिशियन हैं, 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, 2 गायनेकोलॉजिस्ट है, 5 बेड हमारे पास ICU के हैं, NICU है, और जनरल वार्ड में हमारे पास 20 बेड है। और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी सेवा दी जाए मुमरा के पब्लिक, मुमरा के आवाम को। बस आवाम को ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे पास आइए, आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी बिल के बारे में है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अल हयात ग्रुप का मैं भी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जैसा कि जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानकारी के तौर पर बता दूँ कि इसमें जितने भी मेम्बर हैं, डायरेक्टर हैं, सब पढ़े लिखे और सब GP प्रैक्टिस करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ना किसी भी चीज़, किसी भी उसमें जो है पेशेंट को, ना पेशेंट के रिलेटेड को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और ये आज पहला दिन है, ओपनिंग हुआ है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसके रेट्स या जो भी फैसिलिटी है उसके बारे में अच्छे से अच्छा कोशिश किया जाएगा, सबको प्रोवाइड हो, सब खुश होकर यहाँ से जाएं। और कोई हम लोगों का ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से पैसा इकट्ठा करना है और आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं है। बस खिदमत खल्क के तौर पर ये शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सब GP हैं, सब जनरल प्रैक्टिस करने वाले, सब पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, और सब इंशाल्लाह इसको बढ़ाया जाएगा। कोई सवाल है आप लोगों की तरफ से तो पूछिए। जी पूरे डॉक्टर लोगों की टीम ही है। जी जी, मतलब मुमरा शहर में ऐसा क्या आप लोगों ने देखा जो एकजुट होकर डॉक्टर आज हॉस्पिटल को? पहली चीज तो ऐसी बात है कि यहाँ कंसल्टेंट बहुत कम रहते हैं, बाहर से आते हैं लोग, कलवा से आते हैं, दंगोली से आते हैं, थाना से आते हैं। और हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि एडमिट होने के बाद में कोई कंसल्टेंट ऐसा मिलता नहीं है, RMO टैकल करते हैं, बाद में वो लोग आते हैं। अभी इंशाल्लाह ये हॉस्पिटल में ऐसा है कि हर एक फैकल्टी के लिए एक स्पेशलिस्ट यहाँ हमेशा रहेगा कि एडमिट हो रहा है। हाँ, मुकामी, यहाँ का मुकामी है, पेशेंट एडमिट हो रहा है और उसके बाद में जो है कंसल्टेंट अटेंड कर रहा है इंशाल्लाह। हाँ, जो भी कुछ है सारी फैसिलिटी, इन्वेस्टिगेशन से लेकर के सब चीज़ हमारा होगा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रमीज अख्तर साहब हैं, शाही साहब हैं, और मैडम है कार्डियो उसका आप्स वाली, सब सब ऐसे है कि पैरेलल में सब लोकल ही है। और सब क्या कहेंगे आज जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, बिल्कुल जिस तरीके से पैंडेमिक दौर में हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमियाँ थी,
ये भी एक हॉस्पिटल था लेकिन उस वक्त एक काम इसमें काम चालू था सर जी, और अभी एक हॉस्पिटल एक बेहतरीन और सारे डॉक्टर्स लोगों ने मिल के यंग डॉक्टर्स लोगों ने मिल के जो ये काम शुरू किया है इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि एक कामयाब और मुमरा की इसके लिए मुमरा की आवाम की सेवा की जाए। बस यही दुआएँ दुआओं के साथ, आज तो दुआओं का दिन है इनके हॉस्पिटल के लिए, सबके लिए दुआ है अल्लाह इनको कामयाब करे और ये मुमरा की आवाम को, मुमरा की गरीब आवाम को खिदमत करें हिसाब किताब के साथ। आप भी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो आप किस स्टेट के हॉस्पिटल में डॉक्टर के तौर पर तैनात हैं, क्या आप इलाज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जफर आलम है। बेसिकली मैं यहाँ पे आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर, मैं यहाँ एक पार्टनर्स में से हूँ। और रही बात जो आप पूछ रहे हैं कि हमारी क्या है, बेसिकली हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हमारी खुद की अपनी ओपीडी है और हम अपनी ओपीडी पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो ये जो सारे पार्टनर्स हैं इसमें, जो डायरेक्टर्स हैं, सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और ये सब ग्राउंड लेवल पर है। तो जो पेशेंट जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है बहुत बेसिक लेवल पे, जैसे उसकी अफोर्डेबिलिटी होती है, वो फीस दे पाता है नहीं दे पाता वगैरह, वो हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे समझते हैं। तो इंशाल्लाह उसको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, और कोई वादा तो नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, बट फॉर श्योर इरादा पूरा है कि हम बहुत कम से कम चार्जेस में करने की कोशिश करेंगे। बट एज आई सेड कोई कमिटमेंट नहीं है, ये एक कोशिश होगी, आप दुआ कीजिए। जी जी, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि शहर में सबसे ज़्यादा मरीज जो है वो किस चीज़ के पाए जा रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी चीज़ के मरीजों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, वो कौन सी बीमारी है जो ज़्यादा मरीज उसमें पाए जा रहे हैं? बेसिकली अभी एक जनरल प्रैक्टिशनर के लेवल पे मैं देखूं तो अभी कुछ खास है नहीं, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो पैंडेमिक है, जो हम लोग वबा से गुजरे हैं, इसने सारी चीज़ों को ना ओवरलुक कर दिया है, ये इसने सबको ऊपर से घेर लिया है। तो जो पहले हमारी प्रॉब्लम थी वो अब नज़रअंदाज हो गई, कहीं ना कहीं वो छिप गई है, समझे? और क्योंकि ये कोरोना या COVID-19 जो होता है ये बेसिकली एक फ्लू की तरह है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, मतलब आप रैंडमली करा लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो इस चक्कर में ना काफ़ी जो पहले के प्रॉब्लम्स थे, जो हर साल हम लोग मलेरिया डेंगू जो भी फेस करते थे, वो बहुत ज़्यादा ओवरलुक हो गया। और कहीं ना कहीं ये जो बहुत अच्छी वाली बारिश हुई है, इसने नाले और ड्रेन्स को बहुत अच्छे से बहा दिया है, तो आपको गंदा पानी कहीं मिलेगा नहीं। तो जब गंदगी नहीं है तो आई गेस मलेरिया डेंगू जैसी चीज़ें देखने भी नहीं मिलेंगी। बेसिकली पैंडेमिक है तो COVID-19 पे ही सोसाइटी का पूरा सा पूरा फोकस है, तो बातें कुछ इस तरह से हैं। अब देखो आगे चल के कैसा होता है।